ओके सो फाइनली वी आर बैक। सो आज की वीडियो में हम अगेन बात करने जा रहे हैं करण जौहर और इब्राहिम हक के एक डिबेटिक टॉपिक के बारे में, जो कि एक डिबेटिक टॉपिक बना भी हुआ है, उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि करण जौहर ने उन्हें राइट्स प्रोवाइड कर दिए थे उन सॉन्ग के जो उन्होंने यूज़ किया था अपनी मूवी में जुग जुग जियो मूवी में। सो उसके बाद सारे सोच रहे थे, तमाम फैंस उनके सोच रहे थे कि ये अब टॉपिक ख़त्म हो चुका है, यानी मामला सॉल्व आउट हो चुका है। मगर बहुत से फैंस के कमेंट्स के बाद, उनके पूछने पर फाइनली इब्राहिम हक सामने आ चुके हैं। उन्होंने एक वीडियो मैसेज हमारे साथ शेयर किया है, वो आप अपनी स्क्रीन्स पर वो वीडियो मैसेज एक्सक्लूसिवली देखेंगे अभी। सो उस वीडियो मैसेज के देखने और सुनने के बाद आपको उनका अगला स्टेप बहुत क्लियरली पता लग जाएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो में देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। Hello everyone, this is Ibrahim Haq. Lot of fans are asking me, why didn't you go to the court against Karan Johar and T-Series for stealing your song Nach Punjab? And the answer is, yes, I'm going to the court, don't worry. Merely saying ke credit de diya aapko gana, bahut achha apne likha tha, humari movie bahut hit jayegi. Main to aapko diya bhi nahi, main to aapko rights kisi ko bhi nahi diye. It belongs to me. So I'll get it back, inshallah. I'm coming to the court, see you there.